हमारी जब आखिरी बार इस कमल से फोन पर बात हुई थी तब बैकग्राउंड नॉइस में ना हमें एक सायरन की आवाज सुनाई दी थी, जैसे किसी किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में जिस तरह का सायरन बजता है उस तरह की आवाज। और फोन कॉल हमें आया था 8 बजे। एक बात बताओ संतोष, ये जो फैक्ट्रीज का काम करने का नॉर्मल टाइम होता है वो क्या होता है? 9 से 5 ही स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसका मतलब बहुत ही कम फैक्ट्रीज होंगी जो या तो 8 बजे उनकी शिफ्ट होगी या फिर वो 8 बजे तक काम करते होंगे, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, एक काम करो, लखनऊ में ऐसी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो 8 बजे के आसपास काम करती हों, उनका शिफ्ट टाइम हो, उस सबकी एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये फैक्ट्रीज नंबर में बहुत कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम। यस ओके, जल्दी जी, जल्द से जल्द। मैडम सर, और सेशन स्टार्ट करें? सेशन के लिए फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं, हम बहुत जरूरी काम से। एक मिनट मैडम सर, आप बहुत ही रेस्टलेस लग रही हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आपको अपनी हेल्थ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक सेशन कर लेते हैं, आपको बेटर फील होगा, ट्रस्ट मी। ऐसा ही बार भी उपाध्याय, सबसे पहले काम। ये हसीना मलिक इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? लगता है केस से जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। अगर कमल इनके हाथ लग गया तो अश्लील वीडियो का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। पागल, खबर नरम है। स्केच वाला आदमी मिल गए हैं। गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। संतोष शर्मा, पता लगा वो फैक्ट्री वाला सायरन कहाँ बजता है? नहीं मैडम सर, अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है, लेकिन हाँ है उसी एरिया में जहाँ पे अभी आप हैं। अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करते रहो और जैसे ही पता चले तुरंत हमें बताओ। जी मैडम सर। और सुनो एक और चीज़, लोकेशन मिलते ही उसके आसपास जितने भी थाने हैं उन सबसे लिंक कर देना, हो सकता है हमें बैकअप की जरूरत पड़े। क्लियर? जी 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 मैडम सर। ओके, करिश्मा मैडम को फोन करना पड़ेगा। मैडम फोन उठाइए। जब देखो हाथ उठाती है फोन नहीं उठाती। इसके हाथ में ना फोन चिपकाना चाहिए। क्या हुआ मिसेस करिश्मा सिंह, आपने अभी तक शुरू नहीं किया? चलिए जल्दी से शुरू कीजिए, मुहूर्त निकालूं क्या? जी सर, बस शुरू ही कर रहे हैं। मिसेस करिश्मा सिंह जी, वर्क रूल्स, जब काम पे हो तो सिर्फ काम, नो फोन नो टाइम पास। चलिए अब जल्दी से फोन लगाइए और आवाज में शहद घोलिए, ठीक है? हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं गुनगुन बात कर रही हूँ एयरटेल कंपनी से। आप कौन से कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं सर? अच्छा सर, आप वो जो भी सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप उठा के फेंक देंगे अगर आप हमारी कंपनी का ऑफर सुनेंगे तो। सर सर एक बार ऑफर तो सुन लीजिए सर।
खजाना ले लीजिए ना, एक सेमी तो है, खजाना थोड़ा लूट जाएगा आप। सॉरी सर। भी ये सिम कार्ड लेगी अगर हमारी कंपनी का ऑफर सुनेंगी तो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए, एक मिनट, इस आदमी को कहीं देखा? नहीं मैडम, नहीं देखा। ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, शुक्रिया। हाँ बिल्लू, कहो। मैडम सर, बिल्लू द स्पायर रिपोर्टिंग। वो स्केच वाला आदमी, उसका पता चल गया है। वो गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। अच्छा, गुड जॉब। खबर पक्की है ना? खबर पक्की? अविश्वास। बिल्लू द स्पाय का ये खबर नेटवर्क है, कभी फेल नहीं जाएगा। मतलब मैं आपको नहीं, करिश्मा मैडम को फोन कर रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। सॉरी है मैडम सर। अच्छा ठीक है, करिश्मा सिंह को ट्राई करते रहो, जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस बारे में बताओ। और तुम पहुंचे शाम इंडस्ट्रियल एरिया, हम वहीं आ रहे हैं। ओके, आप पलक झपकाओ, मैं पहुंच जाता हूं। हैं, गाड़िया रिस्पेक्ट ही नहीं मेरे स्पीड का। हाँ संतोष, बोलो। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, लोकेशन मिल गई है, गोमती नगर शाम इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। जी मैडम सर। हो गया, लिस्ट पूरा हो गया, भागो यहाँ से, भागो। मैडम, स्केच वाला बंदा मिल गया है, गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल स्टेट पे पहुंची है, वो बंदा वहीं पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया बिल है। चलो चलो। कहाँ जा रही हैं आप? सर, 2 घंटा हो गया तो हम निकल रहे थे, काम हो गया। अभी 10 मिनट और बचे हैं मिसेस करिश्मा सिंह, आप उसमें 2-4 कॉल्स और कर सकती हैं। चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज टेक योर सीट एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी सेकेंड इज मनी। ओके, चलिए कंटिन्यू योर वर्क। जी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कई लोग आते जाते हैं मैडम, शक्लें थोड़े ना याद रहती हैं। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हे हनुमान जी, हे संकट मोचक, आपसे क्या छुपाए प्रभु, आप तो सबको जानते हैं, आप सर्वव्यापी है प्रभु। मैंने जितने भी पाप किए हैं उसका कोई भी दंड प्रभु बहुत कम है। मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया है जो मासूम लड़कियों का शोषण करते हैं। एक दिन मुझे मेरी अंतरात्मा ने चेताया प्रभु, उस दिन मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने S.H.O हसीना मलिक को वो सारे सबूत देने की कोशिश की जिससे उन पापियों का नाश हो सके प्रभु, पर प्रभु मैं कर नहीं सका। जान के डर के आगे मैं कमजोर पड़ गया प्रभु, नहीं दे पाया वो सबूत, मेरी वजह से हसीना मलिक हार गई प्रभु। अब ये सारे सबूत आपकी सुरक्षा की छत्रछाया में रख के जा रहा हूँ प्रभु। हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले, फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। कमल मिल गया। हसीना मैडम को बताना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ बिल्लू, कहाँ हूँ? मैडम सर, कमल खिल गया, कमल मिल गया है। गाला नंबर 49 के सामने हूँ, वहाँ एक सामने पेड़ है पीपल का, उसके नीचे हनुमान जी का मंदिर है, वही के सामने कमल है। हाँ ठीक है, तुम कमल को किसी तरह रोक कर रखो, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं रोकता हूँ। वाह
ज्यादा अमन। अरे इतने से पकौड़े वेज है ना? नहीं, हमारे तो नॉन वेज की दुकान है ना। अरे पकौड़े वेज है ना? हाँ ये वेज है, किसी और से लेके आया। शाम शाम इंडस्ट्रियल एरिया गोडाउन नंबर 49, सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। जल्दी करो, तुम्हें हसीना मलिक से पहले पहुंचना है। और ध्यान रखना, जब तक हमें पेन ड्राइव नहीं मिल जाती कमल को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके? नहीं नहीं, यहाँ सब ठीक है, तुम यहाँ की टेंशन मत लो। यहाँ कुछ ओवर स्मार्ट लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि वो हमारा फोन टैप कर रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो किसका फोन टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ। संतू जी, क्या हुआ? वो तो ये तक भी नहीं जानते जिस फोन को टैप करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो अभी भी हमारी पॉकेट में है। उन लोगों तो अंदाजा भी नहीं है कि जिस दिन से मैं यहाँ थाने में आई हूँ, थाने में सबका फोन टैप कर रही हूँ। पुष्पा जी, आखिरी मिशन नहीं है, खर्च मत होइए। खैर, तुम ये सब कुछ छोड़ो और जल्दी गोडाउन पहुंचो, ऐसा ना हो कि हसीना मलिक तुमसे पहले पहुंचा है, ओके? संतु जी, कुछ पता चला का? जीती, पता तो तब चलेगा ना जब उनका वो जो फोन है वो अपने डिवाइस से कनेक्ट होगा। ये कनेक्ट ही नहीं होगा। बारबी के पास दूसरा फोन भी तो हो सकता है और हम शायद एक ही नंबर पे ट्राई। दूसरा फोन हो तो सकता है, लेकिन जब से आई तब से हमने देखा ही कहाँ है दूसरा फोन। उसके पास दूसरा फोन नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पास फोन ही नहीं है। अरे बहुत शातिर दिमाग वाली लड़की है ये। इतनी जल्दी बेवकूफ बनने वाले में से नहीं है, पक्का दो फोन का ही चक्कर है। संतु जी, एम्बुलेंस। सर ऑफर पूरा सुन लीजिए, 3 महीने तक आपको टॉक टाइम फ्री मिलेगा। नहीं नहीं सर, कोई हम जाल नहीं बिछा रहे हैं यहाँ पे, ये आप ही की सुविधा के लिए है सर, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे हैं। क्यों दे रही मन ने सुविधा? फुफी लागे है क्या हमारी? फोन रख। हो गया। मैडम गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची, स्केच वाला बंदा वहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ जा रही हैं? सर वो जितने भी नंबर थे ना लिस्ट में सब निपट मतलब कर दिए, फोन कर दिया सबको। हाँ लेकिन मैंने नहीं सुना ना। मतलब सर? मतलब ये कि मिसेस करिश्मा सिंह जी, मेरे डैड हमेशा कहा करते थे, समझदार शिकारी शिकार से ज्यादा हथियार की धार पर ध्यान देता है, जितनी तेज धार उतनी ही ज्यादा शिकार। क्या वो नहीं समझी? नहीं समझेंगे ना सर, कल आते हैं फिर इसको समझते हैं हम। नहीं नहीं, नो नो, तुम्हें जानना चाहिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरूरी ये नहीं है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर क्या ऑफर दिया है, जरूरी ये है कि तुमने हमारे कस्टमर्स को फोन पर कैसे ऑफर दिया है। मिसेस करिश्मा सिंह जी, बिजनेस कैसे से चलता है, क्या से नहीं। तो अब मैं तुमने अभी तक जितनी भी कॉल्स की हैं उन सब की रिकॉर्डिंग सुनूंगा। कहा? यस, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे कैसे में क्या कमी रह गई थी। प्लीज वेट। गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। बट आई डोंट माइंड, इट्स नॉर्मल, होता है। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हमारे कस्टमर्स की गालियों को पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो, अब लंबी सांस लो और अब उसको छोड़ दो। वेरी गुड, यू आर अ गुड लर्नर। यकीन नहीं आता तुम्हें? अरे मेरे यकीन करो भाई, कल रात साक्षात हनुमान जी संकट मोचन बजरंगबली की जय, वो मेरे सपने में आए, उन्होंने अपनी सारी शक्ति मुझे इस तुच्छ मानव को प्रदान की है। भाई मैं सच कर रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। ओ माय गॉड, ये देखो क्या कोइंसिडेंस है, हनुमान जी की बात करते करते मैं खुद हनुमान जी के सामने आ गया साक्षात। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हनुमान जी पवन पुत्र संकट मोचन बजरंगबली की जय।
बजरंग बली, ये आपने क्या कर दिया? इस तुच्छ मानव को अद्भुत मानव बना दिया। आपकी सारी शक्ति मुझे प्रदान कर दी, क्यों? क्या इस जग का सब पाप पापी सबको नष्ट करने के लिए, जुल्मों का नाश करने के लिए? लेकिन हनुमान जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये तुच्छ मानव कैसे संभाल पाएगा? नहीं नहीं हनुमान जी, आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है तो मैं जरूर ये कर दूंगा। ये आपने मुझे अपार शक्ति दी है, इस अपार शक्ति का मैं आपको प्रमाण कैसे दू, कैसे दू? हाँ, ये देखो नमूना दिखाता हूँ सैंपल के तौर पर। पूरी ईंट आपके सामने रखी है, आपने मुझे जो अपार शक्ति दी है उस शक्ति से मैं ईंट उंगली से तोड़ दूंगा। ये देखो, जय बजरंग बली, मदपुत्र हनुमान जी की जय हो, अपार शक्ति। ये क्या, अपार शक्ति के साथ दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर दी? हनुमान जी के पीछे के पेड़ के पीछे कौन छुपा है? जिसका नाम क से शुरू होता है, क, ब के सामने आओ, बिल्लू के सामने आओ। तुम्हारा नाम क से शुरू होता है? आपको कैसे पता? मैंने कहा ना, अपार शक्ति हनुमान जी ने मुझे प्रदान की है। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, जान के लाले पड़े हैं तुम्हारे। मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच हूँ, आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समझे? ये कौन है? नका बोले गुन गुन गुंडे गुंडे। अरे जाइए महाराज, अपनी अतुलित शक्ति दिखाइए, चुटकियों में सारे गुंडों को मसल दीजिए, जाइए। एरिया में है, अभी अभी हमारी आंखों के सामने से एक व्हाइट कलर की वैन गई, उसमें कुछ किडनैपर्स हैं। किडनैपर्स के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट केस का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विटनेस भी है। ऑल यूनिट्स अलर्ट, प्लीज उन्हें पकड़िए, वो गोमती पुल की तरफ जा रहे हैं। जल्दी 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 उठने में, चलो 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 चलो, उठो उठो उठो, जल्दी उठो, कुछ नहीं हुआ, चलो चलो उठो, जल्दी करो बिल्लू। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि ये केस हमारे लिए कितना जरूरी है। वो लड़कियाँ, वो मासूम भोली भाली लड़कियाँ जिनकी अश्लील फोटोज और वीडियोस बनाकर ये गैंग बेचता है, उसे पकड़ना कितना जरूरी है। हजारों लाखों लड़कियों की जिंदगी, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, हम उन्हें बचा सकते हैं, आप ये सब अच्छे से जानती हैं। उसके बाद भी आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हम भी चाहते हैं कि ये रैकेट जल्द से जल्द पकड़ में आए। इनके चंगुल में फंसी वो मासूम लड़कियां, उनके साथ इंसाफ हो, हम भी ऐसा ही चाहते हैं मैडम सर। अच्छा, ऐसे करेंगी आप इंसाफ, अपना फोन ना उठाकर। हमने और बिल्लू ने आपको न जाने कितनी बार फोन करने की कोशिश की, आपने फोन नहीं उठाया और उसके बाद फोन ऑफ कर दिया। ऐसे उठाएंगी आप जिम्मेदारी? माफ कीजिए मैडम सर, पर नए जॉब पर ना कुछ समय के लिए हमें कुछ समय, आप जानती है करिश्मा सिंह, आपके इस कुछ समय के चक्कर में क्या हो गया,
वो आदमी, वो कमल जिसके पास उस पूरे गैंग के खिलाफ सबूत थे, वो हमारे हाथ से फिर निकल गया। बिल्लू, कितनी बार फोन किया करिश्मा सिंह को? 13.5 बार। लास्ट कॉल आधे में काट दिया। 13 बार? 13 बार आपको फोन किया गया करिश्मा सिंह, आपने एक बार फोन नहीं उठाया, उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किया। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि अगर कोई इतनी बार फोन कर रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट ना हो तो इमरजेंसी हो सकती है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, कोई मर सकता है, कुछ हो सकता है। कम से कम एक बार ये तो पता लगा लिया होता कि आखिर मामला क्या है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते इतना करना चाहिए कि नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आंखों के सामने उन्हीं के गैंग मेंबर के इंसान उसे उठाकर ले गए। ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। हो ना हो ये बात लीक हुई है, ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, क्योंकि आपके और हमारे और बिल्लू के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि कमल वहां है और हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो फिर उसके गैंग मेंबर्स उसे उठाकर कैसे ले गए? मैडम सर, आप हम पर शक कर रहे हैं? हम मैडम सर, आप जानती हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करिश्मा सिंह अपनी वर्दी के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही सोचते थे करिश्मा सिंह, लेकिन क्या है ना, जब से आपने अपनी ड्यूटी को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है, हमें सोचना पड़ रहा है।